हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें अलग तरह की दुनिया दिखाई जाती है, जहां इंसान नहीं प्रोग्राम रहते हैं जो कि इंसानों की तरह दिखते हैं। उनके बैक में एक डिस्क लगी होती है। दरअसल वो डिस्क में उनकी सारी ब्रेन मेमोरी होती है और वो उस डिस्क को एक हथियार की तरह भी यूज करते हैं। और यहां की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इंसानों की दुनिया दिखाई जाती है, मतलब हमारी दुनिया दिखाई जाती है, जहां पर उस दुनिया को ढूंढने वाला इंसान केविन फ्लिन अपने बेटे सैम को बता रहा होता है। उसने एक नई दुनिया ढूंढी है जहां उसने एक ऐसा यंत्र जाल बनाया है जिसके अंदर प्रोग्राम रहते हैं और प्रोग्राम उसके साथ मिलकर काम भी करते हैं। वो सैम को बताता है, मैं, ट्रॉन और क्लू हम मिलकर उस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल ट्रॉन और क्लू एक प्रोग्राम थे। ट्रॉन एक गेम का कैरेक्टर था जो कि इंसानों की तरफ से लड़ता है और क्लू को केविन ने उस दुनिया में बनाया था जो कि बेसिकली केविन का एक हमशक्ल था। सैम केविन से कहता है मुझे भी वहाँ जाना है, तो केविन उससे कहता है मैं तुम्हें किसी और दिन वहाँ लेके चलूंगा, और फिर केविन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाते हैं एनकॉम कंपनी का सीईओ केविन फ्लिन लापता हो गया है, पर यहाँ केविन का फ्रेंड एलन जो कि केविन की तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर था और उसने केविन के साथ मिलकर कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए थे। एलन का कहना होता है कि केविन लापता नहीं हुआ है, वो इस दुनिया को बदलने के लिए अपने एक सपने को साकार करने में लगा हुआ है। बेसिकली केविन और एलन जो भी सॉफ्टवेयर बनाते उसे फ्री में मार्केट में निकाल देते थे, इससे कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होता था। कंपनी के और बोर्ड मेंबर एलन की बात सुनकर पागल करार दे देते हैं और उससे कंपनी का चार्ज ले लेते हैं। अगले सीन में हमें सैम दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो गया है, बाइक से काफी स्पीड के साथ एनकॉम की तरफ जा रहा है। सैम एनकॉम के अंदर जाकर उसके सिस्टम को हैक करके एक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है जो कि एनकॉम के द्वारा काफी अच्छी कीमत में बेचा जाने वाला था। पर उसके पिता का सपना था ये सॉफ्टवेयर लोगों तक फ्री में पहुंचे, इसलिए वो सॉफ्टवेयर को फ्री में लोगों में बांट देता है। फिर हमें दिखाते हैं गार्ड सैम का पीछा कर रहा है और सैम एनकॉम टावर की छत पर पहुंच जाता है। फिर गार्ड सैम से कहता है तुम नहीं बच सकते, पर सैम कहता है तुम इस कंपनी के मालिक को जानते हो, तो गार्ड उससे कहता है वो कोई नौजवान बच्चा है जिसका नाम सैम फ्लिन है। तो सैम उसे इशारे से बताता है कि वो बच्चा मैं ही हूँ और एनकॉम टावर पे से छलांग लगा देता है। और फिर वो पैराशूट की मदद से नीचे आता है जहां उसे पुलिस पकड़ लेती है, पर कुछ समय बाद पुलिस उसको छोड़ देती है क्योंकि वो सैम फ्लिन था। फिर सैम अपने घर जाता है जहां पर एलन उससे मिलने आता है। एलन सैम को कंपनी ज्वाइन करने को कहता है पर सैम उसे मना कर देता है। दरअसल सैम को कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एलन सैम से कहता है जिस गेम शॉप से तुम्हारे पापा गायब हुए थे मुझे रात वहां से मैसेज आया था, और वो सैम को उस गेम शॉप की चाबी देके वहां से चला जाता है। जब अगले दिन सैम उस शॉप में जाता है तो उसे वहां पे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसके अंदर जाने पे उसे अपने पिता की लैब मिलती है जहाँ कुछ मशीनें रखी होती हैं, और अनजाने में सैम उन मशीनों के थ्रू प्रोग्रामों वाली दुनिया में पहुँच जाता है। सैम को उस दुनिया को देख के विश्वास नहीं होता है। सैम को दो लोग पकड़ के ले जाते हैं। सैम के पास कोई डिस्क न होने के कारण उसे एक गेम में डाल देते हैं जहाँ सैम को एक सूट पहनाया जाता है और एक डिस्क दी जाती है। डिस्क सैम के बैग में लगाते ही की सारी ब्रेन मेमोरी उसके अंदर डाउनलोड हो जाती है। फिर सैम को मैदान में भेजा जाता है जहाँ उसकी फाइट एक प्रोग्राम से होती है जिसको वो अपने माइंड के दम पर हरा देता है, और अब उसका मुकाबला प्रिंजलर नाम के योद्धा से होता है, पर सैम उससे हार जाता है। प्रिंजलर सैम को मारने ही वाला होता है और सैम की बॉडी से निकलता खून प्रिंजलर को दिख जाता है। प्रिंजलर उसे अपने लीडर के पास ले जाता है। उनका लीडर सैम से उसका नाम पूछता है तो सैम उसे अपना नाम सैम फ्लिन बताता है। फिर उनका लीडर सैम के सामने अपना हेलमेट उतारता है तो पता चलता है वो सैम का पिता है। फिर सैम का पिता उसकी डिस्क चेक करता है और उसको देख के वो थोड़ा निराश हो जाता है, जिस पर सैम उससे कहता है लगता है आप मुझे यहाँ देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए। तब वो उससे कहता है मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वेल सैम यहाँ समझ जाता है वो क्लो है क्योंकि उसके पिता का हमशक्ल था। फिर हमें सैम और क्लो के बीच में एक बाइक फाइट दिखाई जाती है। दरअसल ये बाइक अपने पीछे लेजर बॉल छोड़ती है जिससे दूसरी बाइक टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पांच प्लेयर सैम की टीम में और पांच ही प्लेयर क्लो की टीम में होते हैं, पर लास्ट तक आते आते सिर्फ सैम और क्लो ही बचते हैं। पर यहाँ सैम की बाइक लेजर वॉल से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लो सैम को मारने ही वाला होता है पर अचानक से ट्रैक पे एक कार आ जाती है जिसे एक क्योरा नाम की लड़की चला रही होती है जो कि सैम को क्लो से बचाकर केविन फ्लिन के पास ले जाती है, मतलब सैम के असली पिता के पास ले जाती है। सैम के डैड सैम से मिलकर काफी खुश होते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आए, जिस पे सैम उससे कहता है दो दिन पहले एलन अंकल के पास आपका मैसेज आया था, जिसे सुनकर केविन सोच में पड़ जाता है और कहता है हम डिनर पर बात करेंगे। फिर डिनर पर केविन कहता है तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछना होंगे, पर सैम का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आप वापस क्यों नहीं आए।
फिर केविन बताता है दरअसल इस दुनिया में एक चमत्कार हुआ था। आइसोस नाम के प्रोग्राम खुद ही बन गए थे। वो बहुत ही इनोसेंट और समझदार थे। उनके द्वारा मैं दुनिया को बदल सकता था, पर क्लो ने मेरे साथ बगावत कर दी। ट्रॉन मेरी जान बचाते हुए मारा गया और क्लो ने हर एक आइसोस को मार दिया। जब मैं बाहर निकलना चाहता था तब दहलीज बंद हो गई। दरअसल दहलीज कुछ घंटों बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उसके बाद उसको इंसानों की दुनिया से ही खोला जा सकता है। फिर सैम कहता है अब तो दहलीज खुली हुई है, पर केविन कहता है सिर्फ 8 घंटों के लिए ही खुली हुई है। उस पर सैम कहता है फिर तो हमें और जल्दी चलना चाहिए, जिसके लिए केविन मना कर देता है। वो सैम को समझाता है ये सब क्लो का प्लान है। वो मैसेज मैंने नहीं क्लो ने भेजा होगा, जिससे दहलीज खुल जाए और मैं दहलीज पर जाऊं और क्लो मेरी डिस्क छीन कर किसी तरह इंसानों की दुनिया में चला जाए। इसलिए हमारे लिए कुछ ना करना ही बेहतर होगा, ये कहकर केविन वहाँ से चला जाता है। तब सैम कोरा से मदद मांगता है तो कोरा उसे एक ज्यूस नाम के प्रोग्राम का पता बताती है और कहती है ये आइसोस की तरफ से लड़ा था, जो कि सैम की मदद भी कर सकता था। सैम केविन की बाइक लेकर वहाँ से ज्यूस के पास चला जाता है, जहाँ क्लो के लोग सैम को देख लेते हैं। सैम की बाइक से केविन का पता निकाल लेते हैं। फिर क्लो केविन के ठिकाने पर पहुंच जाता है, पर क्लो को केविन वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि केविन कोरा को अपने साथ लेकर अपने बेटे की मदद करने चला गया था। फिर हमें दिखाते हैं सैम ज्यूस के पास पहुंच गया था। सैम ज्यूस से कहता है उसे दहलीज पर जाना है, पर ज्यूस उसे धोखा दे देता है और क्लो के लोगों को बुला लेता है। पर उसी टाइम पर कोरा भी वहाँ पहुँच जाती है और उन प्रोग्रामों से लड़ने लगती है। इस लड़ाई के दौरान कोरा का हाथ कट जाता है, पर उसी वक्त केविन वहाँ पर आ जाता है। वो एक ही झटके में सारे क्लो के प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। और जब सैम और केविन कोरा को वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तब क्लो का एक प्रोग्राम केविन की डिस्क छीन लेता है, पर उस प्रोग्राम को ज्यूस मार कर उससे वो डिस्क छीन लेता है। वो डिस्क के बदले में क्लो से शहर की राजगद्दी मांगता है, पर क्लो उससे डिस्क लेकर उसे वहीं मार देता है। फिर हमें दिखाते हैं केविन कोरा का सिस्टम रिबूट करके कोरा को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ सैम को पता चलता है कोरा एक आखिरी बची हुई आइसोस है। फिर दिखाते हैं जिस लेजर ट्रेन से वो लोग दहलीज की तरफ जा रहे थे, वो ट्रेन अपना रास्ता बदल देती है। वो पहुंच जाती है क्लो के पास, जहां उसकी बहुत बड़ी सेना थी। बेसिकली क्लो नए प्रोग्राम नहीं बना सकता था, पर वो प्रोग्रामों को बदल सकता था, और जिससे उसने वो सेना बनाई थी। तो फिर वो वहां से एक जेट चुरा कर वहां से भागना चाहते हैं, पर वहां पर प्रिंजलर होता है। तो कोरा अपनी डिस्क केविन को दे देती है और प्रिंजलर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, और प्रिंजलर कोरा को पकड़ कर वहां से ले जाता है। तभी केविन और सैम की नजर डिस्क पर पड़ती है। उन्हें पता चलता है क्लो ने खुद को और पूरी सेना को इंसानों की दुनिया में ले जाने का तरीका ढूंढ लिया है। सैम केविन से कहता है अब जेट को तैयार रखिए, मैं कोरा और डिस्क को लेके आता हूँ। फिर सैम वहाँ से चला जाता है और फिर सैम डिस्क के पास पहुँच जाता है। तो डिस्क को लेने के बाद में कोरा के पास जा रहा होता है, पर उससे पहले प्रिंजलर कोरा को लेकर वहाँ पर आ जाता है। पर सैम प्रिंजलर को कोरा से बचा लेता है और एक फ्लाइंग मशीन की मदद से कोरा और डिस्क को लेकर जेट तक पहुँच जाता है, और वो जेट में बैठकर तीनों दहलीज की तरफ चल देते हैं। अब तक ये सब क्लो को पता चल ही गया था, तो प्रिंजलर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। यहाँ कोरा जेट उड़ा रही थी और सैम गन्स को संभाल रहा था। सैम एक एक करके क्लो के सारे लोगों को मार देता है। फिर क्लो और प्रिंजलर बचते हैं। प्रिंजलर के करीब आने पर केविन उससे कहता है तुम क्या से क्या बन गए। प्रिंजलर कंफ्यूज हो जाता है और हमला रोक देता है। क्लो फायर कर सैम के हथियारों को खराब कर देता है, पर प्रिंजलर अचानक से कहता है मैं इंसानों के लिए लड़ता हूँ। तब हमें पता चलता है वो ट्रॉन है। क्लो ने उसे बदल कर प्रिंजलर बना दिया था। ट्रॉन अपने जेट से क्लो के जेट पर टक्कर मार देता है, जिससे दोनों के जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रिंजलर के पास में एक एक्स्ट्रा जेट स्टिक होती है, क्योंकि क्लो उससे हवा में ही छीन लेता है। क्लो उससे दहलीज की तरफ चला जाता है, पर वो दहलीज पर पहुंच गए होते हैं। वो जब दहलीज के करीब जाते हैं, क्लो वहां पर पहले से ही होता है, किसी तरह उनसे पहले ही वहां पहुंच गया था। क्लो केविन से कहता है तुमने जो कहा मैंने वो किया, साथ मिलकर उस दुनिया को बदलने का, बेहतर बनाने का सपना देखा था, और तुमने वादा किया था कि हम मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे, पर तुमने वादा तोड़ दिया। तब केविन क्लो से कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, जैसे मैं तुम्हें बनाते वक्त नहीं समझा था। तुम गलती करने वाले को खत्म कर देते हो, पर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। फिर क्लो केविन पर हमला कर देता है। इस बीच में कोरा सैम को लेकर दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। दहलीज तक जाने वाले ब्रिज को केविन वहां से हटा देता है। सैम वहां से चिल्ला रहा होता है मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर केविन ने कोरा से पहले ही वादा ले लिया था कि तुम सैम को लेकर वहां से चली जाओगी। और वहीं जब क्लो केविन की डिस्क चेक करता है, तो उसे पता चलता है वो केविन की नहीं कोरा की है। केविन से कहता है क्यों? केविन उससे कहता है वो मेरा बेटा है। फिर क्लो सैम और कोरा के पीछे भागता है, पर केविन उसे अपने अंदर समा लेता है और वो वहीं मर जाते हैं। पर उससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा यंत्रजाल खत्म हो जाता है। पर सैम वहां से सही सलामत इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। उस गेम शॉप के अंदर से एलिन मिल जाता है। वैलिन से कहता है तुम हर चीज के बारे में सही थे, और आज से तुम एनकॉम कंपनी के सीईओ हो। मैं कल से उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ।
सैम उस शॉप के बाहर आता है जहाँ उसका इंतजार कोरा कर रही थी। फिर वो अपनी बाइक पे बिठाल के कोरा को अपनी दुनिया दिखाता है। वो उसे हरे वाले पेड़ दिखाता है और उगता हुआ सूरज दिखाता है, और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और गाइस, और मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें।